मध्य प्रदेश के खिलचीपुर राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद रोड़मल नागर ने आज खिलचीपुर क्षेत्र के ग्राम पानखेड़ी और दौलज पहुंचे। यहां आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी को अपनी खेती में जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने किसानों को जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया समझाते हुए कहा। उन्होंने किसानों के बीच 200 किलो के प्लास्टिक ड्रम में गोबर, गुड़, खल और साथ में लेकर आए डिब्बी से जीवाणु डाले और उन्होंने बताया कि 10 दिन के बाद इसका प्रयोग गांव की रोड़ियों पर छिड़काव कर किया जाएगा और इन रोड़ियों पर पड़ा कचरा खाद बन जाएगा। उन्होंने कहा 10 दिन बाद पुनः इन गाँवों में आऊँगा। इस मौके पर सांसद रोड़मल नागर ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार की तमाम गरीब हितेशी योजनाएं बंद कर दी है, संबल योजना बंद कर दी। इस सरकार में किसान और गरीब परेशान है, वहीं सोयाबीन की फसल भी खराब हो गई है। सरकार को नींद से जगाने के लिए 11 सितंबर को राजगढ़ कलेक्ट्रेट पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा घंटे घड़ियाल बजाकर आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए सभी किसानों से आने का आह्वान किया। इस मौके पर ग्राम पंचायत प्रेम सिंह तोमर हजारीलाल डांगी ने सभी नेताओं का पुष्पहारों से साफा बांधकर स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व विधायक पंडित हरिचरण तिवारी, हजारीलाल डांगी, पुरसिंह पवार, दिलवर यादव मौजूद थे। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। और सारे मध्य प्रदेश में कलेक्टरों का घेराव करेंगे, शंख, झालर, ढोल, धमाके सब अपनी अपनी जगह से लेकर के आए और कलेक्टर का घेराव करेंगे, कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे 11 तारीख को दिन के 12 बजे। सब लोगों को आपको पधारना है अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए। ये जो कांग्रेस की सरकार ने ये जो अभियान छेड़ रखा है, पैसा पैसा पैसा, लूट, चारों तरफ लूट मचा रखी है, लूट लूट, कर्मचारी को लूटो, लोगों को लूटो, भ्रष्टाचार, ये सारे लोगों के कान खोलने के लिए 11 तारीख को दिन के 12 बजे हम सब लोगों को राजगढ़ पधारना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।